गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आम लास्ट क्लास रे आलोचना करथले संश्लेषित तंतुर प्रकार भेद विषय रे। आज आम आलोचना करिबा पॉलीमर तंतुगुड़िकर कौन सुविधा और असुविधा अछि। आम प्रथम जानिबा सुविधा कौन। प्राकृतिक कंचामाल उपरे निर्भर करू नथिबारु बहु परिमाण रे आम प्रस्तुत करि पारुछु। पॉलीमर तंतु तयारी वस्त्र सस्ता दर रे मिलुछि। अन्य पक्षरे प्राकृतिक तंतुगुड़िक प्रस्तुति खर्च अधिक उत्पादन परिमाण कम होउथिबारु एथिरे तयारी वस्त्रर मूल्य अधिक रहुछि। पॉलीमर तंतु तयारी वस्त्र मजबूत दीर्घस्थायी धोइबा सहज शीघ्र सुखी जाए लोचाकोचा न होबारु इस्त्री न करी मध्य पिंधिबे देखिबा को चकचक और विभिन्न रंगरे उपलब्ध होइथाय। फिंपी बैक्टीरिया असरपा अम्ल खार आदि द्वारा पॉलीमर वस्त्रर क्षय हुए नाही। पॉलीमर वस्त्र गुड़िकर मूल्य सस्ता होइथिबारु सबु श्रेणी लोक माने एहा किनिबा को समर्थ होइथाय। एतिको आमे आलोचना कले पॉलीमर रो सुविधा कौन आमे पाउ। एबे असुविधा कौन ना खरा दिने पॉलीमर वस्त्र पिंधिले अस्वस्तिकर लगे कारण एगुड़िक झाड़ अवशोषण करिपारंती नाही। पॉलीमर वस्त्र पिंधि विज्ञानगार रे काम करिबा किंबा रोसे करिबा अत्यंत विपज्जनक। एथिरे तत्क्षणात निया लागिदिबार संभावना अधिक थाए। निया लागिगले एहा शरीर रे चर्म ओ मांस सह लाखि रहि जाए जाहाफल चिकित्सा रे असुविधा हुए ओ पोड़ा घा सुखिबार मध्य विलंब हुए। एबे आमे पढ़िबा प्लास्टिक। आमे आम दैनंदिन जीवन रे अनेक प्लास्टिक तयारी जिनिस व्यवहार करिथाउ। सेगुडीकर एक तालिका आमे प्रस्तुत कले ताहा सरीबो नाही। तथापि आमे अनेक प्रकार प्लास्टिक अछि एवं प्रत्येक रो गोटाए लेखाय पॉलीमर जौगिक प्रस्तुत बेले तरल प्लास्टिक सृष्टि होई थाए। उत्तप्त तरल प्लास्टिक को आवश्यक अनुजाई विभिन्न ढांचा रे ढला जाए एवं एहा ठंडा हेले कठिन जिनिसटी को छांचरु बाहर करा जाए। एणु विभिन्न आकृति और आकार प्लास्टिक जिनस आम पाई था। उत्तप्त तरल प्लास्टिक को सूक्ष्म रंध्र विशिष्ट जंत्र रे ढाली भिन्न भिन्न मोटे सूता प्रस्तुत करा जाए। एही सूता को आम कृत्रिम तंतु बा संश्लेषित तंतु कही था। उत्तप्त तरल प्लास्टिक को स्वतंत्र समतल रे पृष्ठ रे ढाली प्लास्टिक चदर मध्य प्रस्तुत करा जाए। एथिरे विभिन्न रंग मिसाई रंग बिरंगर प्लास्टिक मध्य प्रस्तुत करा जाए। ये हेला आमर प्लास्टिक विषय रे धारणा। एबे आमे पढ़िबा प्लास्टिक रो प्रकार भेद। प्लास्टिक भौतिक प्रकृति को भित्ति करि प्लास्टिक को मुख्यतः दुईट श्रेणी विभक्त करा जाय छि। थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बहुत इंपोर्टेंट भल भाव में मन रखिब। थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स बा थर्मोसेट प्लास्टिक बोली आम कहूँ। प्रथम आम जानवा थर्मोप्लास्टिक कौन। केतेक कठिन प्लास्टिक को उत्तप्त कले नरम हो तल अवस्था को आसे और थंडा कले पुणी कठिन हो जाए। ताहा पुनर्बार उत्तप्त कले पुणी तरली जाए और थंडा कले पुणी कठिन हो जाए। एही प्रकृति को प्लास्टिक रो पत्यावर्ती बा भौतिक परिवर्तन कहा जाए रिवर्सेबल फिजिकल चेंज। एही गुण थिबा प्लास्टिक गुड़ को आमे थर्मोप्लास्टिक बोली कहूँ। एही श्रेणी रो प्लास्टिक गुड़िक रैखिक एकक सजा होइथाय। एही श्रेणी को प्लास्टिक रो उदाहरण कौन ना पॉलीथिन पॉलीफिनाइल क्लोराइड पीवीसी आउ आमर हला थर्मोकोल एक्रिलिक टेलीफोन इत्यादि प्लास्टिक। एही सब प्लास्टिक आमर पुनर्चक्रण योग्य अर्थात आम पुनर्बार तला व्यवहार उपयोगी करपर। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आउ केतेक कठिन प्लास्टिक को उत्तप्त कले नरम हुए ना कि तल अवस्था को आसे ना अर्थात एगुड़िकर भौतिक परिवर्तन अप्रत्यावर्ती ई रिवर्सेबल फिजिकल चेंज। यही गुण थिबा प्लास्टिक को आम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहिबा। एमानकर एकक गुड़िकर सजा क्रॉसलिंक एकक सजा बोली आम कहिबा। तारण उदाहरण सब किए ना बेकेलाइट मेलामाइन फर्मिका इत्यादि थर्मोसेटिक प्लास्टिक रो उदाहरण। आउ यह पूर्णचक्रण अयोग्य तेणु यह परिवेश प्रदूषण रो एक मुख्य कारक अटे। आज आम एतिके आलोचना करिबा। नेक्स्ट क्लास